हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीवो फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन को आपको कैसे ऑन करना है, उसमें क्या क्या सिस्टम है और किस में और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो है जनता, वन लाइक बनता। फ्रेंड्स, आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए फर्स्ट आपको जाना पड़ेगा सेटिंग। सेटिंग पर जाइए, उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोर सेटिंग, यहाँ पर आपको मोर सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद मिलेगा एक ऑप्शन अबाउट फ़ोन, यहाँ पर अबाउट फ़ोन में आपका फ़ोन का सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे जाना है जो है सॉफ्टवेयर वर्सन, इस पर आपको 8 बार क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी इसको डेवलपर ऑप्शन को ऑन किया हूँ, इसलिए वो दिखा रहा है कि आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन है। यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर वर्सन को आपको 8 बार क्लिक करना है, उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद बैक जाना है, बैक जाने के बाद सबसे नीचे जाएगा जो है डेवलपर ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। इस डेवलपर ऑप्शन का मतलब आप इस जो फ़ोन का सॉफ्टवेयर को जो डेवलप किया है उसमें आप उसको कुछ आप चेंजेस कर सकते हो, आपकी सॉफ्टवेयर का कुछ चेंज कर सकते हो जो है डेवलपर ऑप्शन। इसको ऑन करने के बाद आप जो भी आपकी फ़ोन के कुछ छेड़खानी कर सकते हो। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ऑन करने के बाद यहाँ पर ओके कर लेता हूँ, ये डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखेगा रैम, यहाँ पर रैम पे आप देख सकते हैं आपका रैम का परफॉर्मेंस, नॉर्मल, टोटल मेमोरी, एवरेज यूजेस, अवेलेबल कितना है, रैम यूज बाय ईच ऐप, और जो आप आपकी फ़ोन में वो कितना रैम यूज कर रहे हैं यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। तो सारी सिस्टम यहाँ पर आपको रैम में दिख जाएगा। उसके बाद आता है टेक बग रिपोर्ट, आपकी फ़ोन में जो भी बग हुआ है उसका रिपोर्ट दे सकते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर जो भी डेवलप किया है उसका आप रिपोर्ट दे सकते हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसमें क्या क्या बग आ रहा है। उसके बाद बैकअप ले सकते हैं, आपका पासवर्ड जो भी है यहाँ पर आप बैकअप ले सकते हैं। स्टे अवे, यहाँ पर आप इसको ऑन करके जैसे आप स्लीप कर रहे हैं तो चार्जिंग में आप स्टे अवे कर सकते हैं, और आपका जो स्क्रीन है कभी भी स्लीप नहीं होगा, आपका स्क्रीन डिस्प्ले ऑलवेज ऑन रहेगा इस ऑप्शन को ऑन करके। एनेबल ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ एनेबल करके कुछ इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मेन ऑप्शन आता है OEM अनलॉकिंग, इसको आप अलाउ कर लेंगे ना, आप जिसमें चाहिए उसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ की आपका जो भी आप चोरी हो जाएगा कहीं पर फ़ोन तो वो भी आपका फ़ोन लेके उसको अनलॉक कर सकता है, ठीक है। ये है OEM अनलॉकिंग। उसके बाद आता है रनिंग सर्विसेज, क्या क्या रनिंग सर्विसेज रनिंग हो रहा है, तो क्या स्क्रैच आया है, क्या रनिंग प्रोसेस आया है, उसमें क्या आप रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सारी आपको दिखा देगा। उसके बाद आता है सिस्टम ऑटो अपडेट, इसको ऑन करने से आपका जब भी ऑटो अपडेट आएगा फ़ोन में वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। और क्विक स्टेट सेटिंग, यहाँ पर आपका कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हैं जो डेवलपर बना है उसको आप छेड़ के कुछ आप खुद का सेटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ ऑन ऑफ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन कुछ ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद आता है USB, इसमें USB कनेक्ट करके आप भी कुछ नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसमें डाल सकते हैं जो है USB में, रिवोक कर सकते हैं। ये बहुत ही सारी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एनेबल व्यू सिलेक्ट, बहुत ही सारी जो है डेवलपर जो खुद बना है उसको आप कुछ छेड़खानी करके अपना कुछ बना सकते हैं। वायरलेस डिस्प्ले कर सकते हैं, एनेबल वाईफाई में आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बहुत ही सारी ऑप्शन आपको मिलेगा, आप खुद देखना और समझाना। और किसी को भी कहीं जाने वाने भी कभी भी ऑन मत करना क्योंकि आपका फ़ोन कहीं भी ख़राब हो सकता है, आप जानते हैं तो ऑन करना, ठीक है। ब्लूटूथ का ऑडियो कोड आप चेंज कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर बहुत ही सारी ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ विंडो एनिमेशन स्केल, यहाँ पर 1x है, मैं इसको 10x कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए कितना स्लो ओपन हो रहा है, तो इसको मैं 1x करूँगा तो नॉर्मल ओपन होगा, ठीक है। 1x हो गया तो नॉर्मल, इसको मैं 10x करूँगा तो बहुत स्लो ओपन होगा। देखो मैं मिनिमाइज करता हूँ, फिर से सेटिंग ओपन करता हूँ, फिर से जाता हूँ अबाउट मोर सेटिंग एंड डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पर जाऊँगा तो बहुत ही स्लो ओपन होगा जो मैं ओपन करूँगा जो है विंडो एनिमेशन स्केल। देखिए कैसे स्लो से ओपन हो रहा है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे स्लो डाउन हो रहा है, कितना स्लो ओपन हो रहा है। इसको आप हमेशा 1x रखना है, यानी तो इसको मैं कर लेता हूँ 1x। तो ये सब आप चेंजेस कर सकते हैं, मिनिमम इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, आपका डिस्प्ले का, फोर्स GPU का रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पर बहुत ही सारी ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, सेट GPU, डिसेबल USB ऑडियो, और बहुत ही प्रोफाइल EPS, आप और जो बैकग्राउंड में आप रनिंग कराए उसको यहाँ पर भी आप क्लीन कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर आपका फ़ोन जो डेवलप किया है, कौन किया है,
सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस डेवलपर ऑप्शन से। तो आप जब भी इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तभी आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें आपको करेंगे तो आपका फ़ोन का कुछ नहीं होगा, ये सब पढ़ के आप कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड चेक, ये बहुत ही सारी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा तो एक घंटा लग जाएगा एक एक। तो मैं आपको बता दिया कि सिंपल में आपको क्या क्या डेवलपर ऑप्शन में मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।